जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और ये अभी इवनिंग का टाइम है और इवनिंग से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और बस साड़ी मैं पहन रही थी, थोड़ा सा बना रही थी, पहन चुकी थी। और अभी कहाँ की तैयारी हो रही है देखिए, देखते देखते आपको पता चल जाएगा आखिर जा कहाँ रही हूँ। क्योंकि वैसे नॉर्मल से ही साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी न्यू पहनी हूँ तो कहीं जाना है। चलिए आपको भी लेके चलूँगी जहाँ जाऊँगी। और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नहीं है, देख लीजिए मेरे बाल फिर से टूटने लगे, क्योंकि केयर कर नहीं पाती अपने बालों के लिए, अपने लिए एक्स्ट्रा से टाइम नहीं निकाल पाती कि अपने फेस में थोड़ा सा ध्यान दूँ, अपने बालों में ध्यान दूँ, नहीं दे पाती। रियली इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि अपनी केयर एक्स्ट्रा से कर पाऊँ। खा लूँ, नहा लूँ, घर का काम कर लूँ, इतना ही काफ़ी है। और सर्दी भी है, वॉइस से आप लोग को लग रही होगी, तो बस बाल बना लूँगी। और जो लोग चैनल में न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? लाइक कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फुल देखा करिए, ठीक है? क्योंकि हम किसी का सपोर्ट करें तो दिल से, ना करें तो कोई बात नहीं, ठीक है? मेरा कहने का एक ही मतलब हुआ करता है कि हम किसी का सपोर्ट करें तो भी सही, नहीं कर रहे तो भी सही। समझ रहे हो आप सब? क्योंकि आप सभी समझदार हैं मुझे पता है, लेकिन हम सब समझदार होते हुए भी कभी कभी अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर लेते हैं क्या? जैसे किसी का सपोर्ट भी नहीं करेंगे, उसके खिलाफत भी करेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स, कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी की खिलाफत नहीं करनी है, जो हमारे खिलाफ है ना उनसे भी हमें खिलाफत नहीं करनी है। बस अपने काम से काम रहना है, ना ही हेटर पैदा करने हैं, ना ही दुश्मन। और अगर बहुत गहरी दोस्ती नहीं चाहते, ना ही दोस्ती बहुत गहरी करिए, सिर्फ नॉर्मल रहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों का मतलब? मुझे जुखाम है, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए सॉरी फ्रेंड। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, ये मैंने हेयर बन ऐसे किया है, हेयर कॉम्बिंग की है, बताना कैसी लग रही हूँ। फुल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ ऐसी लग रही है मेरी साड़ी, पिंक एंड येलो है ये, देखिए बताइए कमेंट करके कैसी लग रही हूँ, ठीक है? दीपक जलाऊंगी, अभी नाइट होने वाला है, मतलब शाम होने वाला है, चलो फिर वहीं मिलती हूँ। बस इतनी सी रेडी हो गई हूँ, आज ये वाली साड़ी पहनी मैंने, कैसी लग रही है बताना। ये मुझे उतनी नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, मेरे ऊपर कैसी लगती मैं नहीं जानती, बट मुझे पर्सनली ये कम पसंद है साड़ी। पूजा पाठ के टाइम में ही मैं इसे पहनती हूँ, नहीं तो ऐसी रखी रहती है ये हमेशा के हमेशा। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने कितना काम अभी किया इवनिंग में, दिखाती हूँ। तो इतने सारे मैंने कपड़े भिगो रखे थे, इन्हें मैंने धुला, बर्तन, झाड़ू पोछा इवनिंग में, मतलब मैं 2 बजे से लगी हूँ इन कामों में। काम फिनिश करने के बाद फिर रेडी हुई हूँ। ये क्या है ना, इसका ये जो है ये मुझे मोटा मोटा सा लगा पता नहीं, एकदम हल्की सी साड़ी मुझे अच्छी लगती है, बट आज मैंने पहन लिया है। नवरात्रि है ना, तो नवरात्रि में ये सब पीले, लाल, गुलाबी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कलर माता रानी को, तो इसीलिए माता रानी के लिए मैंने इसे पहना है। आई होप अच्छा लग रहा हो। और शिव का वेट कर रही हूँ क्योंकि वही जाता है, ये दोनों हर से खुशी ना नहीं जाते, कहते नहीं मम्मी नहीं मने जाने का, जब मन होता तब जाते हैं, शिवे मेरा कह देती हूँ चल देते हैं। शिवे कहाँ है? कौन चलेगा? जल्दी कपड़ा पहन लो, जल्दी पहन लो, अंधेरा होने वाला है, शिव भी तो जा रहा है ना, तो अभी रेडी नहीं हुआ। वाली माँ मेरी बिगड़ी बना ली,
मेरी पहाड़ वाली माँ मेरी बिगड़ी बना। चलो सामान वान तब तक मैं ले लूँ, बच्चे तब तक रेडी हो गए। रेडी होके खड़ी थी फालतू, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डांस वांस भी कर लूँ। और देखिए इसी में कोई अभी खेल रहा था बाहर, मैंने बुलाया तब रेडी हो रहा है। और जूठे कपड़े थे उसी में खाए पिए थे लोग, इसलिए मैंने कहा चेंज कर लूँ, नहीं भाई पहन के चला जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए इसको रेडी कर लूँ फिर चलूँ। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, चलिए चलते हैं। चप्पल पहन लो। चलो नहीं बहुत रात हो जाती, भजन लग गया है, यहाँ अंदर आ गए, वहाँ बाहर से अंधेरा लग रहा था। जूता वहाँ जलाने वाला मैंने पहले ही रख लिया, ये देखो आज मेरा शीशा कुछ साफ लग रहा है ना, कल वाली वीडियो परसों वाली मैंने पोंछ के रखा था ना, इसलिए ये देखिए। आऊँगी तो घर वाली पूजा करूँगी, गाना लगा है। तो ही माँ सहाई है शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। तो ये मंदिर आ गई हूँ, यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, नहीं और लेट हो जाता है तब आती हूँ। क्या होता है ना रात हो जाती है, लेकिन काम के अनुसार होता है, जैसे मैं काम जल्दी फिनिश कर देती हूँ इवनिंग वाला, तो ज़्यादा जल्दी जाती हूँ नहीं तो लेट हो जाता है। तो बस प्रणाम कर लूँगी माता रानी को, बहुत ही प्रसिद्ध माँ है ये देखिए, माँ आनंदी धाम। और फिर दुर्गा माता वाला मंदिर और बहुत सारे मंदिर, लेकिन वहाँ लाइटिंग प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने वहाँ कैप्चर नहीं किया है। और यहाँ भी दीप जला दूँगी, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, मैं मतलब हमेशा आती हूँ, अक्सर क्या हमेशा ही आती हूँ, ये माँ दुर्गा है। और बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है यहाँ, बहुत अच्छे से आरती होती है, मतलब मन खुश हो जाता है कसम से। तो यहाँ भी दीप जला दूँगी और बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा मैं जल्दी आ गई हूँ तो भीड़ कम है, नहीं यहाँ बैठने की जगह नहीं होती, खड़े खड़े हम आरती दिया जलाते हैं दीप मतलब, लेकिन आज थोड़ा जल्दी आ गई हूँ तो भीड़ कम है। और पुजारी जी देखिए उधर खड़े हैं, इस मंदिर के पुजारी हैं ये, क्योंकि मेन पुजारी होता है जो मंदिर को मैनेज करके रखता है। तो हर एक इंसान में खासियत होनी चाहिए जहाँ भी वो वर्क कर रहा हो। और ये भोलेनाथ हैं, यहाँ भी थोड़ा सा आरती कर दूँगी, क्योंकि वहाँ दिया रखने नहीं देते हैं, क्योंकि बैठने में साली वगैरह जल जाती थी, एक बार मेरी खुद जल गई है, इसीलिए वहाँ नहीं रखने देते दीपू। और शिवा को भी कह रही हूँ कि तुम थोड़ा सा जय कर लो। और ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों, कितना थका थका है, खेल रहा था 2-3 घंटे लगातार खेला है, जब मैं चिल्लाए हूँ तब जाके आया है। और अभी मैं एडिट कर रही हूँ ना तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, शोर मत करो बच्चों, शिवे शोर मत करो। ये देखिए नीचे पिंडी माँ हैं त्रिदेवी, ऊपर माँ दुर्गा हैं, ये बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई यहाँ रहती है। चलिए मैं पूरा ये दिखा रही हूँ, पूरा मैं मंदिर आपको दिखा रही हूँ कैसे सजा है, ये देखिए फुल, क्योंकि नाइट है ना तो उतना साफ नहीं आ रहा, लेकिन देख लीजिए ऐसा कुछ सजावट होती है, अच्छा लगता है। ये मेन गेट है, आ गई हूँ घर, और यहाँ मैं भजन लगी हुई है माँ दुर्गा जहाँ बैठी हुई हैं, तो मैं भी उसी तरह गाने लगती हूँ, लेकिन उसे मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि फिर आप सब जानते हैं गाना भरना रिक्स से खाली नहीं होता, मतलब रिक्सी है रिस्की है, जुकाम में माइंड काम नहीं कर रहा। यहाँ मैं आरती कर रही हूँ सब भगवान की, माँ दुर्गा की भी करूँगी, सब म्यूट रखी हूँ मैं, क्योंकि साउंड बराबर लगा हुआ माता रानी के दरबार में तो अच्छा लगता है, भजन चालू है तो म्यूट रखूँगी और अच्छे से यहाँ भी पूजा कर लूँगी। तो आज पूजा पाठ वाला इवनिंग का ही रूटीन था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, कितनी बार मैं बोल चुकी हूँ। और मैं ये कह रही थी सपोर्ट हमें एक दूसरे का दिल से करना चाहिए, दिखावे पे नहीं जाना चाहिए, दिखावा क्या मतलब, और कहीं कहीं मैंने देखा है कुछ लोग दिखावे पे कुछ ज़्यादा जाते हैं, अभी थोड़ा सा अच्छा पहने हैं चलो उसको दिखाते हैं, उसको जलाते हैं, हे भगवान कौन जल रहा है यहाँ, दुनिया में कोई किसी से नहीं जल रहा, दुनिया अपने अपने में पागल है, अपने अपने मस्त है, अपने लाइफ के लिए जोरों जतन कर रही है कैसे क्या करना है। तो आप ये सब डीमोटिवेट होने वाली बातों को मत सोचो, खुश रहो अपने अंदाज में रहो, दुनिया के चक्कर में नहीं। गाना लगा हुआ है, थोड़ा सुस्ता रहे, थक गए। चलो फिर कोई अच्छी सी नई वीडियो मिलूंगी, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।
और हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। ओम शिव।